तो एक प्रॉपर फेस वॉश होना कितना जरूरी है ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो अगर आप कोई गलत फेस वॉश सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी स्किन कितनी डैमेज हो सकती है, आपको पिंपल्स, रैशेस और ऐसी बहुत सारी और भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो आज का वीडियो इसी बेस पे, आज मैं आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से बेस्ट फेस वॉश बताने वाला हूँ। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि आपको पिंपल्स होती है या नहीं होती। अगर आपका जवाब है नहीं होती तो मैं आपको फेस वॉश बता दूंगा, लेकिन अगर आपका जवाब है मेरे को पिंपल्स होती है, ये वाला क्लींजर यूज करो। क्योंकि जब पिंपल्स हो रही है ना उस टाइम आप फेस वॉश वगैरह यूज कर रहे हो ना, तब अपनी स्किन को और इरिटेट कर रहे हो, उस टाइम आपको क्लींजर की जरूरत है। तो क्लींजर यूज करो अगर पिंपल्स हो रही है तो। तो अब हम बात करते हैं वो मेन थ्री स्किन टाइप्स, ड्राई, मीडियम और ऑयली। तो मेरा जो स्किन टाइप है वो है मीडियम। मेरी कंबाइन स्किन टाइप है, मतलब कहीं कहीं पे ऑयली है और कहीं कहीं पे नहीं है। जैसे नोज के यहाँ पे ऑयली है, मेरा टी जोन बेसिकली ऑयली है, बाकी कहीं पे ऑयली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं ड्राई स्किन से। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, आपकी स्किन एकदम ड्राई है, मतलब अगर आप कोई फेस वॉश यूज कर रहे हो, तो जो भी ड्राई स्किन वाला वीडियो देख रहा है तो आप ही बताओ, आप जब भी कोई फेस वॉश यूज करते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को ना बहुत अब इची लग रही है मेरी स्किन, मतलब खींच रही है और बहुत ड्राई लग रही है मेरी स्किन फेस वॉश यूज करने के बाद, तो आपको फेस वॉश चेंज करने का टाइम आ गया है। आपको बेसिकली यूज करना है एक फेस क्लींजर, वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे एक फेस क्लींजर बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मीडियम स्किन, या हम कह सकते हैं कंबाइंड स्किन, जिसको कहीं कहीं पे स्किन ऑयली होती है और कहीं कहीं पे ड्राई होती है। तो मैं जो पर्सनली यूज कर रहा हूँ, देखो मैं सबसे पहले यूज करता हूँ मुल्तानी मिट्टी रोज सुबह एक बार, और इसको 15 मिनट्स तक रहने देता हूँ और ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है मेरे लिए। मेरे को जितनी पिंपल्स थी, मेरे होल्स थे, उनको श्रिंक करने में इसने काफ़ी मदद की। और अगर आप भी मीडियम स्किन या कंबाइंड स्किन वाले हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सुबह यही यूज़ करो। 15 मिनट्स लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, 15 मिनट सूखने मिलेगी और रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। उसके बाद जब मैं रात को वापस आता हूँ घर ऑफिस से, तब मैं यूज़ करता हूँ ये वाला क्लींजर जो मैंने ड्राई स्किन वालों के लिए बताया था, या फिर पिंपल वाली स्किन वालों के लिए बताया था, ये वाला क्लींजर। ये वाला क्लींजर बहुत अच्छे से वर्क करता है मेरे लिए। इसका नाम है ई मॉडल का क्लींजर। अगर आपका बजट थोड़ा सा और अच्छा है तो आप यूज कर सकते हो सेटाफिल का क्लींजर। तो जिसकी मीडियम स्किन है, कंबाइंड स्किन है, वो नहीं चाहता कि मैं क्लींजर यूज करूं, तो अगर आपको क्लींजर यूज नहीं करना है, ना सेटाफिल का करना है ना फिर इसका करना है ई मॉडल इंटास का, तो फिर आप एक काम करो, आप हिमालय नीम आता है एक मेंस के लिए, वो यूज करो, वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है और आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, उससे पिंपल्स नहीं होगी और वो स्किन को रेडिएंट भी रखेगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्किन टाइप जो है ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बेसिकली मैं आपको दो बेस्ट प्रोडक्ट बताऊंगा और दोनों बहुत अच्छे से वर्क करते हैं जिसकी स्किन ऑयली होती है उसके लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट है पॉन्ड्स का, उसके अंदर पॉन्ड्स ऑयल कंट्रोल एक मेंस के लिए, और सेकंड वन है गार्नियर ऑयल कंट्रोल ही है। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत शानदार है, मैं आपको यहाँ पे उन दोनों की इमेज बता दूंगा और प्राइस भी बता दूंगा कि दोनों कितने की है। ये वाले फेस वॉश आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। तो आज मैंने बेस्ट से बेस्ट फेस वॉश आपको बता दिए जो आपकी स्किन टाइप के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, वो ही मैंने आज आपके लिए बताया है। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन भी होगा उसको भी प्रेस कर लेना, ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है या फिर आपको कुछ मेरे को टिप्स आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको सुझाव, हाँ आपको कुछ सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हो। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है मैंने, आप वहाँ पे आके भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ऐसी और वीडियोस आती रहेगी, तब तक के लिए स्टे।